हेलो गाइज, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बाजार में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी का, भारतीय संविधान का। आज हमारा ये वीडियो जो होने वाला है वो भाग पाँच से संबंधित होने वाला है। और दोस्तों, भाग पाँच में हम देखे थे कि इसमें जो होता है संघ की कार्यपालिका, संघ की न्यायपालिका और संघ की विधायिका होता है, जिसमें हम बात कर रहे थे संघ की कार्यपालिका का। और दोस्तों, संघ की कार्यपालिका में हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वीडियो अपलोड कर दिए हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। और आज हम बात करने वाले हैं मंत्रिपरिषद का। और मंत्रिपरिषद में दोस्तों हम बात करेंगे, उनके बारे में पूरा जानकारी हम प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न मंत्रिपरिषद के इस टॉपिक से पूछा जाता है। और आप यदि किताब को पलटेंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या फिर रेलवे का एग्जाम हो। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं मंत्रिपरिषद का। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों मंत्रिपरिषद, जिसका वर्णन भारतीय संविधान में आर्टिकल 74 से लेकर के 78 के बीच में है। अनुच्छेद 74 से लेकर के दोस्तों 78 के बीच में मंत्रिपरिषद के बारे में पूरा जानकारी दिया गया है कि आखिर मंत्रिपरिषद क्या है, इनके कार्यकाल क्या है, मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार से होता है, मंत्रिपरिषद के प्रमुख कौन होते हैं और इनका नियुक्ति कौन करते हैं और इनको पद से कौन हटा सकते हैं तथा इनके क्या क्या कार्य हैं, इन सभी के बारे में आपको चर्चा मिलेगा, वो अनुच्छेद 74 से 78 के बीच में किया गया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, ये मंत्रिपरिषद जो होता है मंत्रियों का समूह होता है, सारे लोग सारे मंत्री मिल करके एक मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं, उसी को हम मंत्रिपरिषद कहते हैं। यहाँ पे हम बात किए मंत्री का, दोस्तों मंत्री तीन प्रकार का होता है, पहला कैबिनेट मंत्री होता है, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री होता है। यहाँ पे देखेंगे कि कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो मंत्रिमंडल का प्रमुख होते हैं। इसमें हम देखेंगे दोस्तों कि ये जो होते हैं अपने संघ का अध्यक्ष होते हैं, इसके अंतर्गत ये हमारा मंत्रिमंडल आ जाते हैं। मंत्रिमंडल में ही सभी मंत्रियों का समूह होता है, उसमें क्या होता है सारे मंत्री एक साथ होते हैं, वही हमारा कैबिनेट हो गया। और ये हमारा संघ रूप संघ लेवल में होता है, मतलब पूरे देश के लिए होता है। यहीं पर हम बात करते हैं जो राज्य मंत्री होता है, इसको राज्य के स्तर पर का होता है और इसमें इसको जो दायित्व दिया जाता है ये स्वतंत्र प्रभार के रूप में दिया जाता है, अर्थात यदि कोई काम हो तो इन्हें सौंप दिया जाता है और ये हर एक बैठक में भाग नहीं लेते हैं, इनको जहां जरूरी होता है वहां पे विशेष रूप से उसे कोई सभा में आमंत्रित किया जाता है। लेकिन कैबिनेट मंत्री जो हैं वो सभी सभा में भाग ले सकते हैं। वहीं पे हम बात करते हैं दोस्तों उप मंत्री जो होते हैं, ये हमारे प्रशासनिक कार्य का प्रमुख होते हैं और इनके अंतर्गत यदि हम बात करें तो ये कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के अधीन काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा क्लियर हो गया कि मंत्रिपरिषद तीन भागों में बटा होता है, पहला कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब यहाँ से हम डिटेल इसका चर्चा करने वाले हैं कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होगी। जैसे हमने बताया कि मंत्रिपरिषद जो होता है, मंत्री जितने सारे हैं सारे लोग मिल करके मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं। तो चर्चा यहाँ पे ये भी होगा, प्रश्न आपका ये भी उठता होगा कि आखिर कितने मंत्री मिल करके मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या के बारे में जिस समय संविधान का निर्माण किया गया था उस समय इसके बारे में कोई चर्चा नहीं था, ये प्रधानमंत्री के इच्छा अनुसार चलता था। जितना प्रधानमंत्री चाहेंगे उतना अपने मंत्रियों को रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों वहीं पे बात क्या हुआ कि 91वां संविधान संशोधन 2003 में जब संविधान का संशोधन किया गया उस समय ये बात उठाया गया कि नहीं, ये प्रधानमंत्री के इच्छा अनुसार मंत्रियों की संख्या नहीं होगा, मंत्रियों की संख्या को फिक्स किया जाए। और उसी के आधार पर 2003 में ही 91वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दोस्तों आर्टिकल 75 के एक का ख में, मतलब क्या है आर्टिकल 75 का एक जो है उसका उपखंड क में ख में जो है जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि लोकसभा के कुल सदस्य जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं और लोकसभा का जितना भी कुल सदस्य होगा जिसको निम्न सदन भी कहा जाता है और उसी के सदस्य की कुल सदस्यों की संख्या का 15% जो होगा उससे अधिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मंत्री की संख्या, अर्थात कहेंगे दोस्तों कि मंत्री की संख्या निम्न सदन के
जितने भी सदस्य हैं प्रधानमंत्री को साथ में लेकर के उसका 15% से अधिक नहीं होगा। लेकिन यहीं पे हम बात करते हैं राज्य में, तो राज्य में जो विधानसभा होते हैं, विधानसभा के सदस्यों की संख्या जितना है उससे 15% ही होगा जो राज्य में मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है। दोस्तों इसमें देखेंगे कि यदि जिस राज्य में 40 विधानसभा का सदस्य नहीं है उसके उसमें देखेंगे तो 12 सदस्य होते हैं, 12 मंत्रियों को रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लिए दोस्तों कि ये जो हमारा है मंत्रियों की संख्या उसके निम्न सदन पर डिपेंड करता है और उसका 15% से अधिक नहीं होता है। यहीं पे हम बात करते हैं कि मंत्रिपरिषद में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य ही मिल करके भाग लेते हैं, और लोकसभा और राज्यसभा का जितने भी सदस्य हैं वो सभी मिलते हैं तो मंत्रिपरिषद बनते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि कोई सदस्य ना वो राज्यसभा का होता है और ना ही लोकसभा का होता है, लेकिन उसे मंत्रिपरिषद में शामिल कर लिया जाता है। तो उस स्थिति में जो व्यक्ति को शामिल किया गया है उस व्यक्ति को 6 माह के अंदर लोकसभा या फिर राज्यसभा की सदस्यता हासिल करना होगा, तो उस आधार पर वो मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है, अन्यथा उसे हटा दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 74 से लेकर के 78 तक के बीच में इसके बारे में वर्णन है, तो कहाँ पर किस अनुच्छेद में क्या क्या है। देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अनुच्छेद 74 का। लेकिन दोस्तों 74 में क्या है कि इसको उपखंडों में भी बांटा गया है, तो यहाँ से देखिए कि 74 का एक में जो है इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्य में सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और उसमें जो है उसका जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा। अर्थात क्या है कि राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे देश का सबसे सर्वोच्चम व्यक्ति होते हैं, और उसी को जो है सलाह देने के लिए या फिर उसको सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाएगा, और जिसका प्रधान बनाया जाएगा उसे हम प्रधानमंत्री कहेंगे। यहाँ से क्लियर हो गया, अर्थात प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा मिलता है हमको 74 का एक में। वहीं पे बात करते हैं दोस्तों कि आर्टिकल 74 का दो जो है उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। अर्थात क्या है, जब प्रधानमंत्री चुना गया कि मंत्रिपरिषद के जो प्रधान होंगे उसे प्रधानमंत्री कहेंगे, तो उसका भी कार्य तो होगा, क्या होगा कि राष्ट्रपति जो होंगे प्रधानमंत्री जो सलाह देंगे उसी के अनुसार वो कार्य करेंगे, क्योंकि सलाहकार के रूप में प्रधानमंत्री को रखे हैं, तो सलाहकार के रूप में रखेंगे तो क्या होगा, प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार कार्य करेंगे, कौन, राष्ट्रपति करेंगे। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। यहीं बात करते हैं कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। क्या हम बोले दोस्तों कि राष्ट्रपति जो है ये क्या था, पहले जो था पुनर्विचार के लिए भेजता था या फिर उसे रद्द भी कर सकता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ और उसके तहत ये विचार किया गया कि नहीं, प्रधानमंत्री जो हैं वो अपना सलाह राष्ट्रपति को देंगे, और जो सलाह वो राष्ट्रपति को देंगे उसको राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए प्रधानमंत्री को भेज सकता है कि आप इस मुद्दे पर फिर से विचार करके हमें भेजिए। और जब प्रधानमंत्री के पास से वो क्या होता है, राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उसे फिर से पुनर्विचार के लिए भेज देता है, तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि ये राष्ट्रपति भेज देने के बाद प्रधानमंत्री क्या करता है उस पर पुनर्विचार करता है, और पुनर्विचार के बाद फिर से जब वो राष्ट्रपति को भेज देगा तो उसे राष्ट्रपति को उस सलाह को मानने के लिए तैयार हो जाना होगा। अर्थात क्या कहेंगे कि जो उसके बाद दिया गया जो होगा सलाह उसे राष्ट्रपति उसी के अनुसार कार्य करना शुरू करेगा। तो यहाँ से हमने देख लिया कि उनका सलाहकार के रूप में प्रधानमंत्री होते हैं तो उनके अनुसार भी वो कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 75 का, और 75 में भी देखेंगे दोस्तों कि बहुत सारे उपकरणों में भी बांटा गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 75 का एक में इसमें कहा गया है कि सामान्यतः लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री का नियुक्ति कह सकते हैं इसको, किसमें है, 75 का एक में है। किस प्रकार से प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है, तो लोकसभा में जो भी नेता को सबसे ज़्यादा बहुमत प्राप्त होता है उसी को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ से 75 का एक हम देख लिए,
किस आधार पर नियुक्त करेगा? बहुमत जिसका ज़्यादा रहेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं 75(2) में। इसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद जो होगा, मंत्रिपरिषद कहने का अर्थ है कि मंत्रियों का जो समूह होगा वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? लोकसभा के प्रति, क्योंकि लोकसभा में क्या होते हैं, सारे मंत्री होते हैं, सारे सांसद होते हैं। तो यहाँ से दोस्तों मंत्रिपरिषद के बारे में यदि पूछा जाए कि सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन वहीं पे बात किया जाए कि मंत्रिपरिषद जो होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं तो वो राष्ट्रपति होगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति ही क्या करता है, प्रधानमंत्री के सलाह से जितने भी मंत्रिपरिषद हैं या फिर लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं सभी को मनोनीत कर नियुक्त करते हैं। तो उसी के आधार पर कह सकते हैं दोस्तों कि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति कहने का अर्थ ये भी है कि राष्ट्रपति जब भी चाहेंगे, जिसको भी चाहेंगे तो उसे हटा भी सकते हैं। इसीलिए व्यक्तिगत रूप से सारे लोग राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यहाँ से ये हमारा क्लियर हो गया। और ये आर्टिकल 75(3) में था, 2 में था कि सामूहिक रूप से लोकसभा और 3 में था कि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं मंत्रिपरिषद। अब हम बात करते हैं यहीं पे 75(4), 75(4) है अनुच्छेद, और इसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद तब तक कार्य करता है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत है। दोस्तों मंत्रिपरिषद में हमने बताया कि सारे मंत्री भाग लेते हैं जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के भी होते हैं, तो यहाँ पर ये कब तक रहेंगे अपने पद पर आसीन, तो उसको जब तक लोकसभा में बहुमत है अर्थात जब तक उनका कार्यकाल पूरा ना हो जाए, 5 साल का वैसे मुख्यता होता है, और जब तक अगला लोकसभा का चुनाव ना हो जाए तब तक ये अपना पदभार ग्रहण किए रहते हैं। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 76 का। 76 में महान्यायवादी के बारे में चर्चा किया गया है, जो ये क्या होते हैं, न्यायिक रूप में होते हैं। तो इसके बारे में हम अलग से वीडियो बना देंगे और इसका पूरा डिटेल से पढ़ना भी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं, बाकी इसका अगला वीडियो होगा जहाँ पर महान्यायवादी का एक अलग स्पेशल वीडियो होगा। चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 77 का, और 77 में कहा गया दोस्तों कि राष्ट्र के संपूर्ण कार्य जो होगा वो राष्ट्रपति के नाम का होगा, अर्थात जो भी कार्य हमारे देश में संपादित होगा वो सभी राष्ट्रपति के नाम से होगा। जैसे अंतिम निर्णय जो होता है राष्ट्रपति का होता है कोई भी कार्य होने से पहले, तो उसका जो निर्णय उसी के अनुसार होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के नाम से ही सारे कार्य किए जाते हैं। कहाँ पे चर्चा मिलता है इसका, तो अनुच्छेद 77 में मिलता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 78 का, और 78 में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री से मांगा गया कोई भी सलाह उसका देने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। अर्थात यदि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कोई भी सलाह मांगे तो सलाह देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा, वो सलाह देने के लिए बाध्य होंगे। तो ये चर्चा किया गया है अनुच्छेद 78 में। यहीं पर अब बात करते हैं कि मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार से होता है, गठन मतलब कैसे मंत्रिपरिषद बन जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से समझेंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री जो होते हैं लोकसभा में जो सबसे ज़्यादा बहुमत लाते हैं उसी दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। किसके द्वारा, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री कैसे करता है, लोकसभा में जिसका ज़्यादा बहुमत है उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, अब यहीं पे राष्ट्रपति क्या करते हैं, जब प्रधानमंत्री का नियुक्ति हो जाता है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सलाह मांगते हैं कि अब मंत्रिपरिषद का चुनाव किया जाए। मंत्रिपरिषद का चुनाव किया जाए अर्थात क्या है कि कौन से मंत्री को किस पद में रखा जाए, क्या किसको देना है, ये सारा डिसाइड कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर, और इस आधार से इसका गठन हो जाता है। यहीं पे बात करेंगे दोस्तों कि मंत्रिमंडल का जो गठन होता है इसमें कैबिनेट स्तर का जो है मंत्री के द्वारा होता है। ये कैबिनेट स्तर का जो मंत्री होता है, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि कैबिनेट मंत्री होता है, ये मंत्रिमंडल का ही क्या होता है, हेड होता है, और उसी के द्वारा क्या होता है कि कैबिनेट ये जो मंत्रिमंडल है उसका गठन होता है। दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड आता है कि ये कैबिनेट, कैबिनेट क्या है, कैबिनेट मंत्री का जिस समय संविधान बना था उस समय संविधान में इसका चर्चा कहीं नहीं था,
अर्थात कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 352 में पहली बार इसे जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1978 में। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 44वां संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया। तो दोस्तों यहाँ से हमने देख लिया कि ये हमारा जो मंत्रिपरिषद है अनुच्छेद 74 से लेकर के 78 तक का जितने भी प्रकार के प्रश्न बन रहे थे सारा कुछ यहाँ हमने डिटेल से देख लिया। अब इसी में दोस्तों ऐसा किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा तो इसके लिए आप लूसेंट का ऑब्जेक्टिव वाला जो बुक है उससे आप इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपको और ज़्यादा एनर्जेटिक लगेगा और आपको लगेगा कि नहीं जो हमने पढ़ा है वही हूबहू क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलेगा। तो आपको भी अंदर से लगेगा कि नहीं जो हम पढ़े हैं वही क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों ये जो हमने बताया ये कई बुकों का संग्रह करके बताया गया है कि आखिर क्या इससे पूछा जा सकता है और किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ भी पूछ दिया जाएगा तो आप इसे आसानी से बता पाएंगे और सही आंसर आप कर पाएंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।